अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सामान जो है सारा मैं ले आया हूँ। देखें, ये एक्सटेंशन आ गई है, आरी ले आया हूँ, क्लास और सारा कुछ, इंची टेप वगैरह और सब कुछ मैं ले आया हूँ। सामान जैसा मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि एक केज हमने बनाना है और वो किसका बनाना है, कैसे बनाना है और कैसा बनेगा मुझे खुद नहीं पता, बट एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है, तो वीडियो पूरी देखनी है आपने। अच्छा, तो इस वक्त मैं अपनी सबसे बड़ी छत के ऊपर आ गया हूँ, ममटी के ऊपर आ गया हूँ, और आप देखें आसपास कोई भी ऐसी छत हमारे करीब भी नहीं लगती है। बट ये वाला जो माल है इसको मैं लेने ऊपर आया हूँ। ये पड़े हुए बांस और इन बांस का जो है ना हमने वो बनाना है केज। वो कैसे बनेगा, जैसे जो अभी साइज है उसके मुताबिक मैं बांस छत के ऊपर ही काट लूंगा, काट के उसके बाद फिर मैं नीचे लेके जाऊंगा। बट आप जरा ऊपर के नज़ारे तो चेक करें ना। सनसेट हो रहा है इस वक्त, ये देखें और क्या जबरदस्त नज़ारे हैं। बांस जो है, बांसों का केज जो है वो मैं बनाऊंगा, और अब मुझे नहीं पता ये कैसे बनता है, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया और ना ही मैंने कोई वीडियो देखी है। देखते हैं ड्रिल शिल पड़ी हुई है और ये एक हिस्सा मैंने कंप्लीट किया है। ये देखें, दो इसको तीन क्लिंप मैंने लगाए हैं और ये काफ़ी मजबूत क्लिंप लगेंगे, हिल नहीं रहा। तो देखें कि ये एक अभी जो है ना हिस्सा इसका कंप्लीट हुआ है, सिर्फ अभी एक पांच लगा, बट मगरिब होना स्टार्ट हो गई है तो अभी मुझसे जितना काम होगा मैं करूँगा और बाकी का काम हम सुबह करेंगे। अच्छा, तो कल आपने देखा था थोड़ा सा ही काम हुआ था क्योंकि रात हो गई थी और फिर दिन में हम काम कर नहीं सके थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के कितना काम हुआ था। अभी देखें ये बांस यहाँ पे लग गए हैं, तकरीबन तीन बांस जो है वो मैंने लगा ली हैं, बट आज हम काम करेंगे। और ये देखें, उसके लिए जो है ना हमने तरपाल ऊपर डाल ली भी है ताकि बर्ड्स भी हमारे जो है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये टेम्परेरी तौर पे हमने डाली है। वैसे हमने जो यहाँ पे तरपाल डाली है वो ग्रीन डालनी है, वो सामने आप देखें ना, ये वाली जो तरपाल है सामने, ये वाली तरपाल हमने डालनी है। तो बट अभी जो है ना एमरजेंसी में ज़्यादा गर्मी हो गई थी और अभी मार्केट्स बंद हैं क्योंकि आपको पता है ईद के दिन भी चल रहे हैं, तो इस वजह से हमने टेम्परेरी तौर पे जो ये लगा दिया और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है ना हम वो दूसरी वाली तरपाल भी लगा लेंगे ताकि हमारे बर्ड्स जो हैं वो गर्मी से बच रहे। अभी ऊपर से जो है ना काफ़ी सारा सामान हमने उतार दिया है, बांस पर ऊपर से सारे उतार दिए हैं। ये देखें, ये सारा सामान जो है वो ऊपर से आ गया है, तो अभी ट्राई करते हैं इसको बनाने की। और ऊपर धूप से बचने के लिए जो तरपाल है वो भी हमने लगा ली हुई है ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बचा जा सके, धूप में काम नहीं हो सकता, तो तरपाल का अरेंज कर दिया। बस अभी काम स्टार्ट करते हैं आज का। ये जी अभी हमने फ्रेम बना लिया है, ये देखें आप, ये तकरीबन ढांचा इसका तैयार हो गया है। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, हमारे जो तरपाल है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं हवा ने और गुजारा लाई की है। अभी इसको चेंज हमने करना है, ये टेम्परेरी तौर पे लगाया हुआ था जैसा मैंने आपको बोला है। ये देखें हवा कैसे चलती है और फुल, ये देखें कैसे हवा चल रही है, ओए होए 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 होए, उसने तो देखें क्या हाल कर दिया इसका, ओए होए होए, ये देखें भाई इतनी जो ऊंचाई के ऊपर है ना यहाँ पे हवा चलती ही बहुत ज़्यादा तेज है, तो ये नहीं संभलेगा यहाँ पे, वो ग्रीन वाली ही जो तरपाल है ना वही यहाँ पे सूट करेगी। तकरीबन हमारा जो ढांचा है वो तैयार हो चुका है, आपको अगर इससे समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट इसमें तीन खुडे जो हैं वो बनाए हैं हमने और तीन खुडे जो नीचे वाले नज़र आ रहे हैं उसमें हमने क्या रखना है उसके लिए एक सरप्राइज़ है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेके आनी है हमने। तो फिलहाल जो है ना ये एक खाना तैयार हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा तैयार नहीं हुआ, अभी सिर्फ ढांचा तैयार हुआ और जो नीचे वाले आप खाने देख रहे हैं तीन, इसके अंदर क्या रखना है वो भी एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, वो जब ले के आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या रखना है हमने। अच्छा, तो मैं अभी भी नीचे से ऊपर आया हूँ, भाई ने बुलाया मुझे कि भाई ऊपर आ फटाफट देख क्या हुआ है, तो ये देखें मैं छत पे आया हूँ तो क्या हो गया, और जो हमने तरपाल लगाई थी ये देखें सारी उड़ गई है और नुकसान भी करा दिया हमारा, ये देखें सारा नेट भी हमारा जो है ना वो टूट गया, और हवा का प्रेशर आप चेक करें कि उसने लकड़ी तोड़ दिया, चेक करें कि कितनी ज़्यादा हवा की प्रेशर थी कि उसने लकड़ी भी जो है ना बांस वो ही तोड़ दिया, ये देखें क्या हाल हुआ, सारा जो है ना अभी दोबारा से करना पड़ेगा, बड़ा पंगा पड़ गया यार ये तो।
आज ऐसी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, काम किया हुआ है, वो देखे सारा सामने बनाया हुआ है और ये देखें सारा ही सत्यानाश करके रख दिया है। अब जो आज तो है आज तो नहीं इसको करेंगे, अब कल देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत थकावट हो रही है आज। हाँ जी हाँ जी, पता है अंडा दे दिया आपने, जब ये अंडा दे दी ना तो इसी तरीके से शोर मचाती है और अभी शोर मचा रही है कि भाई मैंने अंडा दे दिया है, अंडा निकाल लो। बट मेरी मुर्गियों की अच्छी बात यह है कि वो अंडा पीती नहीं है, अंडा पड़ा रहता है, एक घंटा दो घंटा भी पड़ा रहता है, उससे नुकसान कोई नहीं होगा। हमारे केजेस का जो काम है वो अभी स्टार्ट हम दोबारा से करने लगे हैं, नया दिन का आगाज हो चुका है। यहाँ पे ईंटें हैं, ईंटें अभी लगानी है हमने नीचे वाली साइड के ऊपर, और ईंटें लगाने का मकसद क्या है और ईंटें इतनी क्यों लगाएंगे हम, और उसके बाद जो मैंने आपको एक सरप्राइज बताया था कि हमने एक सरप्राइज भी लेके आना है। ओए चुप हो जाओ, ओ बस कर दो बस कर दो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा ठीक है, खोलता हूँ खोलता हूँ खोलता हूँ। गुस्सा कर रही है जी, खोलो मुझे खोलो, सारी बोलना शुरू हो गई हैं, अभी इनको भी खोलते हैं और खोलते हैं खोलते हैं खोलते हैं। अच्छा तो ये तो चुप नहीं हो रही है, तो बोली जा रही है, मैंने काफ़ी थोड़ा इंतजार भी किया कि चुप हो जाए, बट भाई ये चुप नहीं हो रही, तो हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको मैंने आपको बताया था कि इसमें एक चीज़ हमने रखनी है जो कि सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज क्या है, वो सरप्राइज थोड़ा सा लेट आना था बट यार वो सरप्राइज जल्दी आ गया, अभी उनका घर तैयार नहीं हुआ और सरप्राइज आ गया पहले, तो मैं आपको सरप्राइज दिखा देता हूँ क्योंकि अब आपको दिखाना ही पड़ेगा। माशाल्लाह से जी, ये है वो हमारा सरप्राइज जिसके लिए हम नीचे घर बना रहे हैं, और इसने आना था थोड़ा सा लेट बट जो है ये आ गया है जल्दी। माशाल्लाह रेड आइस खरगोश के ये बच्चे हैं और ये हमारे अपने घर की ब्रीड है, और ये मैं अपने चाचा के घर से लाया हूँ, माशाल्लाह उनके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रीड पड़ी हुई है इस तरीके से, और हर महीने तकरीबन 5 से 6 बच्चे हमारे पास जो खरगोशनी है बच्चे देती है, तो इंशाल्लाह इनका ऊपर भी सेटअप बनाएंगे और इन्हीं का घर जो है वो नीचे तैयार हो रहा है। अभी जो है हमने रैबिट्स को टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे बंद कर दिया क्योंकि अभी इनका घर नहीं बना, जैसे ही इनका घर तैयार हो जाएगा तो फिर इनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, अभी उसमें टाइम है, बट जब तक तैयार नहीं होता तब तक जो हमारे रैबिट्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, रेड आइज और वाइट में इनकी ब्यूटी ही अलग होती है। अभी तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट ये काम हमारा जो इसका था रेत सीमेंट का ये कंप्लीट हो चुका है, अभी सफाई जो है वो कर रहे हैं और देखें आप ज़बरदस्त किस्म का एक लुक तैयार हो गई है। ये जितना भी काम हुआ है सारा मैंने खुद किया है, ये बांसों वाला काम भी मैंने खुद किया है, ये सीमेंट वाला काम भी मैंने खुद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह देख देख के मैं सारे काम कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, नहीं भी आता बट फिर भी कोशिश करता हूँ। ये देखें आप कैसा तैयार हुआ है, ये पूरा का पूरा मैंने खुद तैयार किया है, अपने दिमाग से तैयार किया, किसी ने कोई चीज़ मुझे गाइड नहीं की कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये तीन खाने जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं, इसमें दो में जो हैं हम अपने सील के जोड़े रखेंगे और एक जो है वो खरगोशों की नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये इसका मकसद क्या है, ये सारी इसके अंदर जो है ना मिट्टी भरी जाएगी और पूरी मिट्टी भरने के बाद फिर खरगोश छोड़ जाएंगे, वो अंदर सुरंग बनाएंगे, तो वो जो एक नज़ारा होगा ना देखने वाला, जब वो सुरंग बनाएंगे और अंदर बच्चे देंगे और अंदर से बच्चे बाहर आएंगे, उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है मुझे बेसब्री से। अभी हमने अपने खरगोशों को जो है ना बाहर छोड़ा हुआ है और छोटी फौज को बाहर निकाला, अभी दाना पानी डालने के लिए बड़ी फौज ऑलरेडी बाहर है, और अभी मैंने यहाँ से एक अंडा भी निकाला है, अंडा निकाल के अभी भी जो है ना वो रखा है मैंने यहाँ से। हवा जो है ना आज बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बस अभी इनका जो है ना दाना पानी करेंगे, दाना पानी करके तो इनको बंद कर देंगे। आज मौसम देखें मौसम कैसा हो रहा है, चमकती मौसम हुआ है आज, थोड़ी देर पहले अभी बारिश भी हो रही थी, हालांकि छोटे रह के बारिश रुक गई है, बट ठंडा मौसम ठंडी हवा इनके लिए जो है ना काफ़ी नुकसानदेह होती है, तो अभी जो है ना वो ट्रे है इनकी अंदर पड़ी हुई, अंदर इनको दाना पानी करेंगे, मुर्गियों को अंदर बंद करेंगे खिला पिला के। ये जो है इन बच्चों का दाना हो गया, इसको अंदर रखेंगे और इनको अंदर ही बंद करेंगे।
जी तो आज इनका जो है वो फर्स्ट डे है हमारे घर में माशाल्लाह। वो 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 तेरी चीज भाई बहुत एक्टिव है। चलो बंद कर अच्छा तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आने वाली बहुत सारी वीडियोस इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और आपने लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आगे जो है क्या होने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। एक हमारा पार्सल आ रहा है, किस चीज़ का पार्सल आ रहा है वो आपने लाजमी देखनी है, वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अगली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, उसके लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।